Hello everyone, so we are back with another numerical. Okay, so let's start. Molar conductivity for NaCl and KCl are 126.5 and 149.9. Na पॉजिटिव की आयनिक कंडक्टेंस गिवन है मुझे 50.1 और मैंने K पॉजिटिव की आयनर कंडक्टेंस जो है वो फाइंड आउट करनी। सबसे पहले NaCl में अगर मैं वैल्यू पुट करूँगी तो उसकी हेल्प से मुझे KCl की वैल्यू आ जाएगी। KCl के आ गई तो मैं इसमें फिल करके केस की वैल्यू जो है फाइंड आउट कर सकती हूँ। सो मोलर कंडक्टिविटी ऑफ NaCl, ठीक है, Na की वैल्यू कितनी है, 50.1 गिवन है मुझे, और प्लस KCl नेगेटिव लैम्डा। ओके, सो इन दोनों की वैल्यू कितनी दी हुई है मुझे, 126.5। लैम्डा KCl नेगेटिव इधर रह गया और 126.5 ये उधर प्लस हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस हो गया। तो मेरे पास आंसर आया मेरे पास 76.4। सो ये मेरे पास आंसर निकल के आ गया क्लोरीन का। अब मैं KCl में पुट करूँगी, मोलर कंडक्टिविटी ऑफ KCl, K की वैल्यू मैंने जो है K पॉजिटिव की फाइंड आउट करनी है, प्लस क्लोरीन की मुझे जो है गिवन है, इन दोनों को प्लस करके कितना आता है मेरे पास, 149.9 जो कि मुझे गिवन था, ठीक है। सो K पॉजिटिव की वैल्यू मैंने फाइंड आउट करनी है, इसकी कितनी आई मेरे पास वैल्यू, प्लस 76.4 विच इज़ इक्वल्स टू 149.9। K पॉजिटिव इधर रह गया मेरा और 149.9 इसमें से 76.4 जो है वो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ठीक है। सो इसे सॉल्व करके मेरे पास आंसर आ गया मेरे पास K पॉजिटिव का 70.5 इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। सो हेयर इज आवर न्यूमेरिकल। If you have any questions related to any question, any numerical, so आप मुझे पोस्ट करके बता सकते हो। थैंक यू, लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।